आज तो अभी निकलने का टाइम है, बज रहे हैं 1 बजे। बहुत लेट हो गया निकलने को, मेरे को निकलना था 11 बजे, लेकिन मेरी नींद खुली है 11 बजे। बैग पहनने से अच्छा है कि इस टाइप बांध लो। अभी इधर से शूज़ पहनूंगा एंड इतना ही है, बाकी सब बढ़िया है। तो लेग गार्ड्स सब पहन के, पहली बार मैं लेग गार्ड्स पहना हूँ, अभी तक मैं लेग गार्ड्स नहीं पहना था। चलो बाइक भी सब कुछ रेडी है। हाँ। कैसा है, आराम है कि नहीं? पैसे होना कितने होना? 10 करोड़ है। चल हाथ मिला ऐसा, आराम है कि नहीं? दाता रगड़े है कि नहीं सुबह? मस्त लग रहे नहीं? हंस को दिखा एक बार जरा मुझे। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इधर ही प्रॉब्लम है ब्रो, देखो यार लद्दाख हमारा लद्दाख। अपनी गली में ना बड़ा ही मजा आता है। तो इसका नाम मैंने रखा है बैटमैन, इसका नाम है बैटमैन। तो कमेंट करके बताएगा कि इसका नाम कैसा लगा। आप तो बैटमैन को देखे होंगे, वो भी ब्लैक है और ये भी ब्लैक है, बैटमैन। बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुका है, सब माय ब्यूटीफुल पीपल, दिस इज योर जूनियर सुल्तान, सबको मेरा सलाम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फन फॉर ब्रदर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इधर पेट्रोल फिलअप करेंगे। वीडियो भाई का कहना है कि हवा से ज़्यादा नाइट्रोजन बहुत फायदेमंद होता है। ऐसा क्या होता है ब्रो नाइट्रोजन में? मतलब मैले ज़्यादा देती है। हाँ, और टायर का ये ज़्यादा वैलिडिटी ज़्यादा आता है। अच्छा, अब चला के देखिए स्मूथनेस पे आता है तो बहुत ही बढ़िया हो गया ना फिर। सो फिल ऑल बडीज नाइट्रोजन गैस टू योर बाइक्स एंड कार्स बिकॉज बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। ये सिर्फ भाई का कहना है, पता नहीं मेरे को भी। बस यार इस रोड पे ना लोग इस तरह से देखते हैं, यल्लापुरा जाने के लिए बहुत उतावले हो जाते हैं बिकॉज ऑफ रोड्स आर सो ब्यूटीफुल एंड इस टाइप के जो खेती बाड़ी और हरियाली है, तो ये सब देखने के लिए सिर्फ वेस्टर्न घाट्स को ही जाना पड़ेगा, बाकी किसी प्लेस में इस टाइप के प्लेस देखने को नहीं मिलेंगे। कैसे बताओ, आप ही आ जाओ तो देख लोगे पूरी तरह से। ये धूल काय के लिए उड़ा रहा है ये। सो वेलकम टू एक्सप्रेस वे। तो ये रोड यल्लापुरा का है। अरे भाई साहब क्या है, क्या है, क्या है, नदी है और क्या है, क्या है और क्या है, नदी है। ए तो रुक रे, मैं जाता रे, रुक रे। तो अभी ये रोड तो आप बहुत बार भी देखे होंगे और बहुत ही बार मैं इस रोड से घूमा हूँ। आपको पता ही होता है कि यल्लापुरा यल्लापुरा यल्लापुरा। मैं तो सस्पेंस रखना चाहता था बट मैं बोल दिया, क्यों, अपन बहुत बकलोल आदमी है यार, क्या कह रहे हैं, बहुत ज़्यादा बकलोल आदमी है, हमें ऐसे ही पट 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 जो मुँह में ऐसा पक देते हैं। अभी मैं यल्लापुरा को जा रहा हूँ। अभी आप तो यल्लापुरा का रास्ता हर तरफ से जानते हो कि मेरे ज़्यादातर वीडियोस यल्लापुरा के रास्ते पे ही है। अरे पापा मेरी बाइक एडवेंचर की बाइक नहीं है रे, क्यों इतना धड़का आता रे तू, तो नहीं होने का ना रे पापा, हाँ नहीं होने का ना रे। सो चलो अभी यल्लापुरा का रास्ता तो आप सबको पता ही है, तो बस आप लोग रास्ते को एंजॉय करना विद सिनेमैटिक्स एंड तू भी धूल उड़ा के गया ना रे पापा। मैं यल्लापुरा को जाके ही आप सबको बात करूँगा, ठीक है। तो अभी बहुत ज़्यादा बारिश आ गया था तो इस टी वाले शॉप में रुक गया। अपना बैटमैन तो इधर खड़ा है। ओके
तो अभी बाइक चालू कर गया, तो अभी इधर से निकलने की बारी आ चुकी है। लेकिन मैं जिधर जा रहा हूँ वो लोकेशन तो मेरे को सर्च करना पड़ेगा, गूगल बाबा पे नेटवर्क ही नहीं है। तो चलो बैठेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो अभी जिधर नेटवर्क मिलता है तो उधर थोड़ा गूगल बाबा से मिल के थोड़ा बात करेंगे। बहुत ज़्यादा बारिश, बहुत ज़ोर आ गया था, और ऐसे में ये जो ट्रक्स लोग हैं ये तो सब पूरा अभी पूरा पानी को हमको पूरा वेलकम करते हुए जाएंगे। एंड तो चलो गूगल बाबा से थोड़ा आगे जाके बात करते हैं। ऑलराइट, तो अभी मैं इस गूगल बाबा से पूछा तो उन्होंने बोला कि इधर से 53 मिनट्स का रास्ता साथोड़ी फॉल्स है। ठीक है, मैं साथोड़ी फॉल्स को ही जा रहा था, उतना क्या टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं साथोड़ी फॉल्स को जा रहा हूँ। ठीक है, और ये ग्लास को इग्नोर कर देना बिकॉज फूट चुका है। ठीक है, एंड 25 किलोमीटर इधर से साथोड़ी फॉल्स है, जाके पहुँचने में लगेगा 5 बजे, तो इधर 53 मिनट्स है, तो हमको जाना पड़ेगा NH32 से, तो बहुत बड़ा रास्ता है, तो चलो जल्दी चलते हैं। गूगल बाबा है क्या, बाबा है कि पता नहीं रे बाबा। साथोड़ी फॉल्स का पीछे होगा तो साइड यार, तो पीछे जाना पड़ेगा, मैं तो उल्टा जा रहा हूँ ब्रो। साथोड़ी फॉल्स, वाह क्या सीन है। हाँ क्या, मगर फॉल्स, साथोड़ी फॉल्स भाई, साथोड़ी फॉल्स इधर है क्या? हाँ, यहाँ पे है। अरे भाई साहब, मगर फॉल्स उधर है, तो इधर ही है साथोड़ी फॉल्स का रास्ता, तो मैं आगे जा चुका था। शाबाश, बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही उम्दा इंसान हूँ मैं। ये तो रास्ता यहीं पे है, मैं चला था कारवार को, फिर से कारवार को चला था, कारवार को। वाह भाई साहब, आपका यही है सुल्तान और यही है घाटमैन। वाह भाई साहब, यही है आपका सुल्तान और यही है आपका बैटमैन। अभी गूगल बाबा हमारे साथ है ब्रो। मेरे को कन्नड़ आता था ना तो मैं तो फाड़ी डालता, क्या यार मेरे को फिर उर्दू हिंदी और मराठी थोड़े थोड़े में समझ में आती है, बट बात करने के लिए सिर्फ 5% आता है। वाह भाई साहब, ये है आपका सुल्तान और ये है आपका बैटमैन। शायद मेरे फ्रेंड्स के साथ मैं एक बार आया था कि 7-8 या फिर 9-10 लोग हम लोग आए थे, तो ये रास्ता तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, एकदम हद से ज़्यादा ऑफ रोड था, तो अपन को तो कभी भी हिसाब से ही जाना पड़ेगा। ये लो भाई साहब, ऑफ रोड का नाम लिया तो ऑफ रोड हाजिर। ईद मुबारक मेरे भाइयों, ईद मुबारक, ऑफ रोड मुबारक, ऑफ रोड मुबारक, मैंने तो ईद बोल दिया। वाह भाई साहब, ये है आपका जुनैद सुल्तान और ये है आपका बैटमैन। बैटमैन ये नया नाम है अपने बाइक का, अभी तक मैंने इसका नाम शेर रखा था, बट शेर तो बहुत लोगों ने रखा है, शेर तो है 100% शेर है अपना बाइक। बचा गया फिर, मैं तो अकेला हो गया ना यार, मैं तो उसी ग्रुप में उसी झुंड में आ गया, तो इसी तरह से मैं तो नहीं चलेगा, इसीलिए मैंने एक अच्छा नाम सोच लिया। वैसे तो भैया जी पूरे तरह से ब्लैक हैं, तो हम भी रख दिया बैटमैन। तो देख सकते हो रोड, एंड मैं तो अभी खड़ा होकर चलाऊंगा, बिकॉज़ मेरे को खड़ा होकर चलाने के लिए बहुत पसंद है, बहुत पसंद होता है, बहुत अच्छा लगता है मेरे को खड़ा होकर चलाना। अगर मेरे पास हिमालयन होती मैं तो गिर ही जाता अभी, मैं तो, अगर मेरे पास हिमालयन होती तो इसका मज़ा ही कुछ और होता, जो खड़ा होकर गाड़ी चलाना होता है उसका मज़ा ही कुछ अलग होता है। और वन मोर थिंग गाइस, मैं बहुत सारे लोग मेरे को बोले हैं कि मैं वीडियोस में बहुत ज़्यादा मजाक करता हूँ, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा मजाक करता हूँ, तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। जैसा मेरे को इंस्टाग्राम में DM भी करते हैं लोग, मैसेजेस करते हैं यार भाई आपके वीडियोस बहुत ज़्यादा फनी होते हैं कभी कभी। सही है, अपन बहुत ज़्यादा बकलोल आदमी है यार, क्या ही बताऊँ, बंदा ना बहुत ही हार्ड है अपन। तो ये है आपका सुल्तान और ये है अपना बैटमैन। यो यो बैटमैन, अब शाम होने आई, मौसम ने ली अंगड़ाई, बिकॉज ऑफ गाइस बारिश तो चालू है, हल्के से बारिश चालू है। मैं कम से कम इधर आना ही था तो 2 बजे तक तो कम से कम इधर रहना था, बस इतना ही से, बाकी सब बढ़िया।
अंदर जाने को परमिशन नहीं है? नहीं, कब से बंद है? 10-15 दिन हो गए बंद। ये फ्लड के लिए बंद किया गया है क्या? दूर से ऐसे जाके आएंगे ना ब्रो? ऑलराइट गाइस, तो पनौती यार शेट फ्लड के खातिर पूरा सातवाड़ी फॉल्स बंद है। फक यार, पूरा मूड ऑफ हो जाता है यार इस टाइप। उतने दूर से हम लोग फॉल्स कुछ तो देखने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए आते हैं, अभी तो वो बंद है। पिछले 15 दिन से पूरा फॉल्स सब बंद है, तो मेरे को लग ही रहा था कि क्यों यार, लोग तो घूम ही नहीं रहे हैं। इतना दूर से आया, वापस तो नहीं चलेंगे, आए हैं मतलब। इधर एक शिवपुरा हैंगिंग ब्रिज है, इधर से 6 किलोमीटर के बाद लेफ्ट रोड पे जाने से एक ब्रिज आएगा, शिवपुरा हैंगिंग ब्रिज। तो अभी मैं उधर ही जा रहा हूँ, तो देखेंगे वो भी ओपन होगा या नहीं होगा, अल्लाह मालिक। तो उसी ब्रिज को जाएंगे, तो बाजू से भी नदी बह रही है यार गाइस, ब्यूटीफुल नदी। तो मैं इधर से अभी तो GoPro में थोड़ा थोड़ा सा चार्ज बाकी है, तो मैं अभी थोड़ा अपना GoPro चार्ज पे रखता हूँ। तो चलो देखते हैं किस टाइप का हैंगिंग ब्रिज है, ठीक है? ऑलराइट गाइस, तो सुबह से अभी अपना मुकड़ा दिखाया ना। तो गाइस क्या ही बताऊँ, सातोड़ी फॉल्स तो बंद था बिकॉज ऑफ, वो बोल रहे थे कि उधर फ्लड के खातिर कुछ दो लोग बहकर चले गए थे, तो कुछ दो लोग का मौत हो गया था। अभी कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए 15-20 दिन से सातोड़ी फॉल्स बंद है। तो अभी क्या कुछ नहीं कर सकते, तो मैं एक ही काम किया कि उधर से सिर्फ उसके पास में शिवपुरा हैंगिंग ब्रिज था जो मैं अभी खड़ा हूँ, इसका नाम है शिवपुरा हैंगिंग ब्रिज। अभी कुछ नहीं कर सकते, तो सिर्फ मैं ये सिर्फ अभी शिवपुरा हैंगिंग ब्रिज को आया था, तो अपना बैटमैन इधर खड़ा है। आसपास का कुछ सीन इस टाइप का है, बहुत ही खूबसूरत है। बट मेरे को एक दिल था कि मैं इधर से सातोड़ी फॉल्स को जाऊंगा। सो अभी कुछ नहीं कर सकते, देखेंगे। अभी GoPro तो चार्ज पे रखा है, इधर बोर हो गया, मूड ऑफ हो गया। और भाई तो कोई बात नहीं, फिर कभी आएंगे तो सातोड़ी फॉल्स को जाके ही आएंगे, छोड़ेंगे नहीं। चलो अभी इधर से चलते हैं, मैं आपको मिलूँगा डायरेक्ट येल्लापुर में ब्रेकफास्ट करते हुए। तो ब्रेकफास्ट, थोड़ा चाय वाय पिए के आगे का देखेंगे, तो इसके कुछ सीन्स एंजॉय कर लेना। तो देखेंगे इंशाल्लाह फिर कभी भी आएंगे, ठीक है? तो चलो। लाइट में इवनिंग का ब्रेकफास्ट करके थोड़ा चाय वाय पी के थोड़ा चिल, थोड़ा रेस्ट किया 5-10 मिनट्स। तो अभी टाइम 6:30 हो चुका है, तो एक काम करेंगे, वापस अब डायरेक्टली घर को जाएंगे। अगर रास्ते में कुछ अच्छा दिखा तो रास्ते में रोक लेंगे तब तक के लिए। तो आज का वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब तो ज़रूर करना। अब के बाद इंशाल्लाह मैं डेली वीडियो बनाते रहूँगा। सो गाइस, तो मिलते हैं इसी टाइप के नए वीडियो पे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, पीस आउट, बूम।